हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं द पुणे फाउंटेन पेन शो 2022 को। तो ये शो चल रहा है श्रुति मंगल कार्यालय पुणे में। तो इस शो का टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर शाम को 8:30 तक। 2 अक्टूबर 2022 इसका लास्ट डे यानी कि आज इसका अंतिम दिवस है। यहाँ पे आपको फाउंटेन पेन्स के विविध प्रकार के पेन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक फाउंटेन पेन यूज़र है तो आपको ये एग्जीबिशन ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी के फाउंटेन पेन्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ का जो प्राइसिंग है वो है 100 रुपये से 1 लाख तक। कुछ कुछ पेन्स तो उससे भी एक्सपेंसिव है। तो बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन है। तो चलिए इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाएंगे वैरायटी ऑफ फाउंटेन पेन्स। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे।
यहाँ पे हमने एक ज्ञानेश्वरी देखी जो कि फाउंटेन पेन से लिखी गई है। आप देख सकते हैं, आप चौंकन्ना हो जाएंगे कि ये जो ज्ञानेश्वरी लिखी गई है वो हाथों से लिखी गई है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रिंट ही की गई है, लेकिन ये हाथों से पूरी ज्ञानेश्वरी फाउंटेन पेन से लिखी गई थी। तो बहुत ही अद्भुत था ये देखने के लिए। ये सैंडलवुड से बनाए गए पेंस है, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फाउंटेन पेंस है ये, और हैंडक्राफ्टेड है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो पेंस आप देखने वाले हैं, ये है प्रीमियम उरुशी पेंस। तो ये उरुशी ट्रीज के सैप से बनाए गए हैं, तो बहुत ही इसकी क्वालिटी बढ़िया होती है, हैंडक्राफ्टेड पेंस है और सालों साल ये चलते रहेंगे।
आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पेन स्टैंड बनाया गया है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। Fountain pennings. Okay. The Archimedes does scented inks.
इट्स आर फ्रेग्रेंस दे डू शिमरिंग्स शीन रहेगा देन देर आर डॉक्यूमेंटिंग्स दोज आर शिमरिंग्स देन देर आर डॉक्यूमेंटिंग्स एंड देर आर रेगुलरिंग्स दिस द रेंज फ्रॉम द आर्थ्रोमिथिस देन देर इज फेरिस व्हील प्रेस द आर्थ्रोमिथिस इज फ्रॉम कैनेडा फ्रॉम जर्मनी जर्मनी देन देर इज फेरिस व्हील प्रेस इज फ्रॉम कैनेडा कैनेडा फेरिस व्हील प्रेस हैज इंक्स एंड पेन्स सो यू इंपोर्ट We import inks and pens from Ferrisfield. So we have charger sets, which for the exhibition we have a special price. And these are inks. They come in 38 ml bottle and 85 ml bottle. Okay. These are, we have shades of all these colors that there is sufficient card. Then we have Rohrer and Klinger. Rohrer and Klinger are known for their price point and their quality in import. So they are again from Germany. They have fountain pen inks, sketch inks. These are waterproof inks. Can be used with fountain pens. And these are traditional inks which can be used for calligraphy. Calligraphy. Mainly. Dip calligraphy. Special inks are used for calligraphy. हाँ, इसका thickness ज़्यादा है. They are acrylic based. Okay. So they're very good for calligraphy. Right. Dip calligraphy only. Okay. Pen में नहीं डाल सकते. Pen ख़राब हो जाएगा. Right. बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा pen में डालने के बाद. ये इसका है. Then we have fountain pens from okay, so we have this from Ferris Wheel Press both of these pens this copper this plastic and this is Binu Binu makes fountain pens they are Russian based now they relocated to another country okay. they're known for their trendy pens okay so if it is something new and unique that you want to use Binu is okay. and that is our letter pad That letter pad converts into an envelope. Okay. And then you can paste it and post it. Nice. Pasting it outside, take it out. Yeah. Great. So Ayush Paper is your brand also. Your Ayush. We started with books and then we entered into inks. तो आपने देखा होगा कितने वैरायटी के फाउंटेन पेन्स है कुछ कुछ तो ज्वेलरी भी है फाउंटेन पेन्स में और सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड निब भी है तो बहुत ही बढ़िया फाउंटेन पेन्स है अगर आप फाउंटेन पेन्स के कलेक्टर हो या फिर यूज़र हो तो आप ये एग्जीबिशन ज़रूर विजिट कीजिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ये जो फाउंटेन पेन्स आप देख रहे हैं ये 400 रुपए के हैं तो आपको लो प्राइस के भी फाउंटेन पेन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद